सब्सक्राइब कीजिए बुड बग जैक के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये पीछे जो हमारा लगाया जाता है ये किसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ वीडियो में पीवीसी बता देते हैं तो इसको बताया जा क्या जाता है, किस तरीके से लगाना है। ये जो अपना चारकोल पैनल होता है इसमें जो साइज़ होते हैं हमारे किस साइज़ के लगाए जाते हैं, कितने साइज़ का ये आता है, इसका जो साइज़ होता है उसके बारे में बताऊँगा आपको मैं, और किस तरीके से लगाना, आपको चिपकाना जो हमारा एडहेसिव होता है किस प्रकार का एडहेसिव होता है, उसको चिपकाने का तरीका और उसको लगाने का तरीका किस हिसाब से होता है, इसकी थिकनेस भी कितनी होती है, इस बारे में मैं बताऊँगा आपको। ये जैसे कि हमारा इंटीरियर वर्क होता है, जैसे कि इसमें डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती, कहीं पर लगाना होता, जैसे कि आपको पिलर बनाना है अपना टीवी पैनल पर, कहीं पर भी लगाना आपको, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती है। दोस्तों वीडियो प्रॉपर देखना तभी जानकारी मिलेगी, नया डिजाइन नया तरीका इस वीडियो में मिलेगा। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसा टीवी पैनल पर अपना चारकोल पैनल लगाना है तो इसमें लगाने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से हमारा पैनल होता है जो हमारा चारकोल का आता है। तो उसमें जैसे चारकोल जो सीट होती है बड़ी भी होती है, एक छोटे जो पैनल आते हैं 4 इंची चौड़े जो होते हैं हमारे, उसको लगाने का तरीका इस तरीके से पैकिंग में निकलता है। आप देख सकते हैं इसमें बॉक्स के अंदर हमारे कितने पीस आते हैं, इसमें जो आते हैं हमारे 20 पीस के समथिंग आते हैं, ये हमारे 10 पीस हैं। जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। 4 इंच चौड़ा होता है, 8 फीट लंबा होता है। ये देख सकते हैं पीवीसी की तरह ही होता है, जैसे कि इसको लगाना है, ये आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, जैसे कि हमारे ऊपर ये लगाना किस तरीके से लगाना चाहिए, आपको जैसे ज्वाइंट मिलाना है इसमें ज्वाइंट भी मिलाने का इसमें अपना लोक होता है, तो आप देख सकते हैं इसमें लगाने का तरीका मैं दिखाता हूँ। ये हमारा डिज़ाइन जहाँ पर ज़रूरत होती है डिज़ाइन की, डिज़ाइन खूबसूरत लगता है देखने में, अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से इसमें डिज़ाइन है और इसको जो लगाना है आपको किस तरीके से लगाना चाहिए। इसमें जो मेरे क्या कहते हैं सब्सक्राइब भाई हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है उसको लगाना किस तरीके से है, किस तरीके ये देख रहे हैं अपना ज्वाइंट वैसे ही आता है इसमें, डिज़ाइन के हिसाब से डिज़ाइन अपना सेम लगता है जब ज्वाइंट हमारा मिल जाता है। इस प्रकार आपको ये मिलाना होता है, उसको लगाने का तरीका मैं इसमें दिखाता हूँ। वो कटिंग जो करनी है आपको किस तरीके से करनी है, आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा टीवी पैनल के नीचे सेल्फ के नीचे लगेगा, जितनी लेंथ है उसी हिसाब से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। लेंथ के हिसाब से जो हमारी लेंथ है, जैसे कि इसमें 70 इंची 70 है, तो इस तरीके से आप कटिंग करके अपना इसका साइज बना सकते हैं। और आपको जो कटिंग करनी है दोनों साइड में नाप के लगाना है आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर जो सेल्फ है उसमें हमारा अभी रफ है, उसको सनमाइका, जैसे अगर आपको लगानी है तो सबसे पहले सनमाइका लगाना है ऐसे सेल पे, क्योंकि इसमें जो गैपिंग होती है उस जगह पे गैप रह जाता है तो वो दिखता है, सनमाइका वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो इससे पहले आप इस काम को ज़रूर कर लें। ये देख रहे हैं अपना जैसे कि हमारा 70 हमें ये कटिंग करनी है, इसको कटिंग करना इसी तरीके से आपको अपना निशान लेके गुनिया से लगा सकते हैं निशान, और अपना आरी से भी इसको काट सकते हैं। इसमें जो काटने का तरीका है वो आपका जो कटिंग करना है नीचे स्क्रैच नहीं आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा फ्रंट होता है इस तरीके से काटना है आपको, तो स्क्रैच नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको कटिंग करते टाइम पर। जैसे ये अभी हिला है तो इस तरीके से स्क्रैच भी आ सकता है, क्योंकि हमारा ये पीस फालतू है ऊपर वाला, तो हमारा वो वहाँ पर कटिंग हो जाएगा तो निशान हम उसको हटा देंगे जो हमारा आता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है किस तरीके से करना है, ये आप इसमें वीडियो में देख के आप इस तरीके से कटिंग, ये निशान जैसे इस पर निशान आ जाता है, जो हमारा थोड़ा बहुत गिस्सा लगता है तो निशान आ जाता है इस तरीके से, क्योंकि ये पैकिंग में भी अपना लेमिनेशन लग के आता है। इस प्रकार आपको ये मिलाना है, इसमें आपको जो मिलाना है एक साइड से मिलाना है, अगर आपका लेफ्ट है ये राइट है एक साइड से, जिधर से आपका इसमें लोक फंसना चाहिए वो बाहर की साइड उधर से ही मिला कर लगाना होता है, जो हमारा लोक होता है वो बाहर की साइड, उससे दूसरा पीस इसके ऊपर आ जाए। इस तरीके से आप रंदा लगा सकते हैं, अगर ये बड़ा है तो रंदा भी लगा सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से घिस जाता है। आप देख रहे हैं इस प्रकार आपको ये कटिंग करके चिपकाना है, और जैसे कि आपको ये चिपकाना है इसको चिपकाने का एडहेसिव मैं बता देता हूँ आपको इस वीडियो में किस तरीके से ये चिपकाना और इसको लगाने का, फिर उसके बाद आपको किस तरीके से रोकना चाहिए। ये आप देख रहे हैं जैसे कि अब हमारा एक पीस लग गया, इसमें राइट हैंड पर हमारा लोक है, लेफ्ट हैंड हमारी दीवार की साइड है। अगर आपको जैसे इस तरीके से टीवी पैनल आता है कहीं पे भी लगाते हो आप, तो उसको गुनिया में और सोल में एक बार उसको सीधा देख लें। ये अपना सेल्फ हमने ये खोला था, इसमें हमने जो सनमाइका थी वो हटा दी थी, अब दूसरी सनमाइका जो हमारी फ्रंट की लगेगी उसके बाद हम इसको लगाएंगे जो हमारा पैनल, ये देख रहे हैं अपना ऊपर हमने सनमाइका लगा दी थी इस पर। ये देख रहे हैं अपना ये सोल में आपको चेक करना कहीं पर टेढ़ा तो नहीं है, अगर टेढ़ा रहेगा तो आपका सारे पीसों में टेढ़ा बनाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। गुनिया लगा के इस तरीके से सोल लगाना आपको, अगर आपको पीस ये लगाना है तो आप पीस लगा के भी अपना सेट इसी प्रकार आपको सोल लगा के आपको एक बार चेक करना है, जो हमारा एक बन पीस होता है बन पीस को आपको चेक करना है, आपका सोल में होना चाहिए सीधा होना चाहिए, अगर ये टेढ़ा रहेगा तो आगे आपको दिक्कत आती रहेगी सारे पीसों में,
तो इसको ध्यान रख के आप सोल में एक बार चेक करें इस तरीके से। अगर टेढ़ा है तो वहाँ पर रंदा लगा सकते हैं दीवार की साइड, उसको सीधा कर सकते हैं जहाँ पर भी टेढ़ा। इस तरीके से हमने जैसे हम रंदा लगा के लगा रहे हैं इसमें, तो दीवार का जो टेढ़ापन है वो अपने इस पीस में ही करना है आपको सीधा, क्योंकि आगे की टक्कर आपकी सीधी होनी चाहिए, सोल में होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो आपके जॉइंटों में दिक्कत आएगी, वो बहुत टेढ़ा दिखेगा पैनल। इस तरीके से आपको इसको मिलाना है, गुनिया में ही लगाने हैं अपने पीस। अगर आप इसको टेढ़ा लगा देते हो तो दिक्कत रहती है। अब ये आपका ऊपर की साइड भी रखने लग जाता है। ये जो होता है हमारा जैसे पीवीसी मिक्स होता है, चारकोल पैनल होता है, तो इसमें मिक्स होती है प्लास्टिक। इस तरीके से ये प्लास्टिक के ही बनता है, बाकी तो डिज़ाइन आप दे सकते हैं। इसमें डिज़ाइन काफ़ी आते हैं, हर तरह का डिज़ाइन। इसका जो प्राइस है, ये अपना जो मार्केट प्राइस है, ये देख सकते हैं। प्रो बॉन्ड फेविकोल का प्रो बॉन्ड से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको चिपका सकते हैं इस एडहेसिव से। ये अपना एक्रेलिक चिपकाने के काम आता है, जैसे कि पीवीसी लैमिनेट और अपना चारकोल यही काम आता है। जैसे कि हम हीटेक्स लगा देते हैं तो उसमें हम चिपका तो देते हैं, हीटेक्स ऐसा होता है तो प्लास्टिक पर छूट भी सकता है, उसके लिए सनमाइके के लिए ठीक रहता है। इस तरीके से आप इसको प्रोबॉन्ड को ही इस्तेमाल करें तो वो ठीक रहता है, लंबे समय के लिए आपका प्रोबॉन्ड कामयाब है। इसी तरीके से आपको ये पैनल लगाने हैं। ये हमारे 4 इंची चौड़े आते हैं और 8 फुट इसकी लेंथ आती है, जो हमारी लंबाई होती है। तो इस प्रकार इसमें लॉक को हमारा जो लॉक के साइज़ के हिसाब से नापोगे तो 5 इंची के 4.5 इंची के आसपास हो जाता है। बाकी जो हमारे डिज़ाइन जितना हमारे डिज़ाइन की ज़रूरत है वो 4 इंची आता है स्पेस आपका जो हमारा डिज़ाइन। इसी तरीके से आप मेज़रमेंट करके जितनी जगह पे आपको लगाना है तो अपना मेज़रमेंट करके आप इसको ले सकते हैं। तो इसका जो प्राइस 800-900 रुपये इस तरीके से इसका प्राइस होता है, जो भी इसका मार्केट में जिस कंपनी का अलग अलग होता है। इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर आपको इसमें पिंक लैम्प में, ये पिंक लैम्प का इसका डिज़ाइन लेना है तो आप इसमें भी ले सकते हैं। ये देख रहे हैं अपना डिज़ाइन, इस तरीके से आपको लगाना वन पीस। ये चिपका दिया हमने प्रोबॉन्ड से। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा लॉक है, लॉक में आपको नेल्स लगाने हैं, जो हमारे कील होती हैं, कील से लगा सकते हैं, स्क्रू से लगा सकते हैं, जैसे कि आपको ठीक लगे वैसे लगा सकते हैं। हमारा जो तरीका कील लगाने का, ये कील आपको वहाँ पर लगानी है कि ऊपर वाला जो पीस आएगा तो उसमें ये दब जाना चाहिए, बाहर आपकी कील नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक में वाइट वाइट जो कलर है वो नज़र आता है। ये देख रहे हैं अपना जो इसका कैप होता है वो नज़र आता है, तो इस चीज़ को आपको ढकना है। स्क्रू का कैप बड़ा हो जाता है तो इस वजह से कील ठीक रहती है। अगर आप इसमें लगाते हैं 20 नंबर की कील है, 1.25 इंची 20 नंबर, इस तरीके से बिना सर वाली हेड वाली लगा सकते हैं। और ये आपको जितनी रिक्वायरमेंट है जितने हिसाब से आपको लगाना है। एक पीस में आपका अगर 6 फुट है तो 3 कील लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। ये आगे की टक्कर पर, पीछे की टक्कर आपकी, उसको रोकना है आपको किस तरीके से, वो ऊपर अपना कील लगा सकते हैं दोनों साइड में भी। अगर आपकी जैसे उठा रह जाता है, बाकी हमने जो उसमें ग्लो लगाया अपना, ये एडहेसिव लगाया हमने प्रोबॉन्ड फेविकोल, तो उससे आपका प्रॉपर चिपक जाएगा, कहीं पे भी छूटने की दिक्कत नहीं है, लंबे समय के लिए आपका ये बना रहेगा। इस तरीके से आपको लगाना। ये हमारा जहाँ पर टीवी पैनल बनता है, जैसे कि हम पिलर बनाते हैं या अपने छत में डिज़ाइन बनाते हैं, तो ऐसी जगह ये यूज़ होता है। जहाँ पे भी आपको नया डिज़ाइन बनाना है, नए डिज़ाइन में लेटेस्ट लेना है, तो आप चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ नया डिज़ाइन जो आपने देखा होगा लैमिनेट में बनाते हो तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो इस तरीके से आप इसका भी बना सकते हैं। और इसमें जैसे कि ये खूबसूरती के लिए होता है, जो डिज़ाइन हमारे नए नए आते हैं वहाँ पे, जैसे कि हमारे कुछ छत में लगाना है, जैसे हमारा मंदिर का डिज़ाइन हो गया, मंदिर पर भी लगाना, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी जगह जो हमारा लेटेस्ट डिज़ाइन होते हैं तो इसमें अच्छे डिज़ाइन आते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको कितने डिज़ाइन इसमें आगे, मैं दिखाऊंगा आपको कि इस जो हम इस कंपनी का लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी डिज़ाइन आते हैं, बाकी अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिज़ाइन आते हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं, इसमें गैप ही किस हिसाब से, ये लो ये हमारा उसके ऊपर लग जाता है, इसी के ऊपर आ जाता है। इस तरीके से आपको पीस मिलाने, लेफ्ट हैंड से लगा रहे हो तो राइट हैंड पर लॉक होना चाहिए, इस तरीके से मिलाना, एक ही साइड लॉक आनी चाहिए। और लाइनें दे सकते हैं, बराबर लाइन आती है क्योंकि जॉइंट जब मिल जाता है। इस तरीके से ये पूरे पीस हमारे लग चुके हैं, आप इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं, देखने में खूबसूरत लगता है। इस प्रकार अपने ले सकते हैं। ये अपना आपको फेविकोल प्रॉपर लगाना, जहाँ पे हमारा उठा हुआ पीस होता है वहीं पर, जहाँ पर जो हमारा पीछे के बेस से मिलेगा वहीं पर आपको इसका फेविकोल लगाना है, कहीं पर जगह खाली नहीं छोड़नी। इस तरीके से आपको लगाना, जो अपना प्रॉपर लगना चाहिए। एक ही पीस पर भी लगा सकते हैं, दोनों पीस पर लगाने हैं, दोनों पीस पर भी लगा सकते हैं। हम एक पीस पर लगा रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा लगा रहे हैं फेविकोल, ज़्यादा मोटा लगा रहे हैं। इस तरीके से आप चिपका सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। इसी एडहेसिव से आप लगा सकते हैं, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आई किसी प्रकार की। इसी तरीके से जैसे कि आपको ऊपर वाला जो सेल्फ देखा आपने, तो उसमें लैमिनेट पहले लगानी है आपको, किसी प्रकार की लैमिनेट जो भी आप लगा रहे हो उसको लगाना है।
अगर आपको जितनी चौड़ाई है जिस हिसाब से डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से कटिंग भी करके इसको लगा सकते हैं। ये अपने कील आपको इस प्रकार लगाने के ये नज़र नहीं आने चाहिए। अगर ये नज़र आते हैं, क्योंकि ये हमारा फाइनल होता है चारकोल लगाने का, मतलब फाइनल डिज़ाइन हो जाता है, तो वहाँ पे हम कील लगाते हैं, वो नज़र आती है तो अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार आपको लगाना है। ये देख रहे हैं अपना, ये अपना जैसे 40 इंची चौड़ाई है तो इस तरीके से, जैसे कहीं पे 10 इंची चौड़ा पिलर बनाना तो वैसे लगा सकते हैं। लेटेस्ट डिज़ाइन में इस प्रकार ले सकते हैं और ये एडहेसिव इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कम समय में अच्छी खूबसूरती का डिज़ाइन चारकोल में बना सकते हैं। इसमें काफ़ी डिज़ाइन आते हैं, बाकी मैं आपको डिज़ाइन भी दिखाऊंगा किस प्रकार इसमें हमारे डिज़ाइन है। ऊपर का पीस कटिंग करके लगाना, तो ये लाइनें सामने होनी चाहिए। जैसे कि हम ऊपर का नीचे का पीस ज्वाइंट मिलाते हैं तो लाइनें आमने सामने आनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इस प्रकार आपको ये लगाना है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार आपको लगाना है। ये अपना डिज़ाइन दे सकते हैं, इसी हिसाब से अपने डिज़ाइन ले सकते हैं। इसमें मैं आपको जो हमारे इसका जो थिकनेस है 12 mm थिकनेस है, इसकी चौड़ाई 4 इंची है, थिकनेस आपकी 10 या 12 mm की बोलते हैं। इस प्रकार जैसे ये टीवी पैनल पर जो डिज़ाइन कंप्लीट होगा तो मैं दिखा दूँगा आपको किस तरीके से हमने इसमें डिज़ाइन पूरा कंप्लीट किया है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको जैसे डिज़ाइन देख रहे हैं, हमारे जो डिज़ाइन होते हैं इंस्टाग्राम पेज पे मिलेंगे आपको। इंस्टाग्राम पेज है वुडवर्क जेटके के नाम से, वहां जाके आप अपने डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कॉन्टैक्ट भी करना इंस्टाग्राम पर जाके कर सकते हैं। हमारा जो बात करने का समय है 10 बजे से 7 बजे तक है, आप इस समय में कभी भी कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा अच्छा वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फ्रेंड।